Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. After completing the explanation about the chromosomes, now it's time to start to learn something about DNA. I have written DNA as a master molecule. Why? Because DNA के जो segments हैं वही आगे चलकर gene कहलाएंगे, उनको gene बोला जाता है और यही वो सेगमेंट्स है विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड येस ऑफकोर्स बेस ऑफ द जेनेटिक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनए एज अ मास्टर मॉलिक्यूल. सो हाउ इज डीएनए, हाउ इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डीएनए. डीएनए में बहुत, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, एक ऐसा एरा था कि डीएनए के स्ट्रक्चर को लोग कैसे समझ सकते थे. बहुत सारी थ्योरी आई, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हुए, बहुत सारे चीज़ों को रखा गया कि ओके डीएनए में ये है, बिकॉज दैट टाइम बहुत सारी टेक्निक्स भी पता थी. बट वन ऑफ द एक्सेप्टेड मॉडल वॉज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. दैट मॉडल विच वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इज नोन एज डबल हेलिक्स मॉडल. Why it is double helix? As per the Watson and Crick, the DNA actually it's a two parallel threads of nucleotides that are coiled around each other. मतलब एक स्टैंड, दो स्टैंड हैं जिनके हर एक, चल लेट्स नॉट गो फॉर बोथ दी स्टैंड, एक स्टैंड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं. जैसे एक धागा है और उसमें मोतियाँ हैं, तो उन मोतियों को एक साथ ऐसे ट्विस्ट, जैसे ट्विस्ट किया गया है, तो एक धागा जिसमें मोतियां हैं और एक, इन दोनों को ट्विस्ट अराउंड ईच अदर. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द डबल हेलिक्स मॉडल. व्हाट आई वाज टेलिंग कि वो जो ट्विस्टेड, मतलब एक तो दूसरे की तरफ घुमाव से उनको रखा गया है, समवेयर योर डीएनए लुक लाइक दिस. So when you open the chromosome, once you unwind the chromosomes, you get a aisa ek protein jiske around DNA ko lapeta gaya hai, wrap kiya gaya hai. Fir thoda aur aage khologe, matlab uncoiled karoge, to aisa kuch structure dikhta hai. This structure is known as double helix model and which was given by Watson and Crick. Now let's move further. What next? अब DNA को master molecule बोलते हैं, double helix model बोल भी रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग twisted हैं, कैसे हैं ये सब structure, अब थोड़ा सा उसको deep में देख लो. In the structure of nucleotide, what I have said कि उनमें क्या है, ये जो आपके strand हैं वो किससे बने हुए हैं, nucleotides के. अब इन nucleotide में क्या है पहले वो देखो. Nucleotide में a molecule of nitrogenous base है, phosphoric acid icon से phosphate group है, and a sugar group, मतलब sugar mosaic. तो yes, a molecule of nitrogen base, phosphoric acid and at the end एक sugar molecule. So, अभी ये जो मैंने क्या बोला, DNA का एक helix structure है, एक helix structure है, will you just pause? So, in order to understand DNA, तो मैंने क्या बोला, DNA में क्या है, nucleotides हैं. अब ये nucleotides में तीन चीज़ें बहुत important है. अब क्या है उस पर important है, first आपको याद रखना है उसमें है nitrogenous base, फिर second है उसमें phosphate group, and third which both are joined by a sugar molecule. तो जो DNA का structure था जिसको मैंने आपको एक example दिया कि ये जो beads हैं, मैंने ऐसा कुछ बोला ना आपको कि DNA का strand है और उसमें beads हैं, ये beads को बोलते हैं nucleotide. For example, if I say तो nucleotide is made up of these three components. अब बच्चों यहाँ पे एक और बात सीखो कि एस, अब ये जो नाइट्रोजनस, अभी आपका बेसिक फोकस क्या होगा कि फॉस्फेट और शुगर, जो इसके दो तीन कंपोनेंट हैं, ये दो कंपोनेंट तो रहेंगे ही,
बट वेरिएशन आएगा. अब ये वेरिएशन कहाँ पे आएगा इसको समझना है इन कमिंग स्लाइड्स. यहाँ पे कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, चार, एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन. अब इनका अरेंजमेंट कैसा है और ये कैसे पेयरिंग करते हैं, आपको ये जरूर आया होगा कि मैम ये तो एक स्ट्रैंड है, मान लीजिए इसमें कुछ मॉलिक्यूल है. आपने थोड़ी बहुत अगर केमिस्ट्री, अगर आपको अच्छे से समझ केमिस्ट्री आती है तो आपको पता होगा कि बॉन्ड्स बनते हैं. तो ये बॉन्ड्स की क्यों बन रहे हैं ये हमको जानना है. तो इसके लिए हमें देखना है कि स्ट्रक्चर को कैसे, इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं जो बेसिकली डीएनए को डबल हेलिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं. मतलब इन ऑर्डर टू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स देयर शुड बी सम बॉन्डिंग, एंड व्हाई दिस बॉन्डिंग इज कमिंग यू हैव टू सी. सो फॉर दैट just wait for 2 minutes, I will just draw that diagram. So DNA में अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, मैंने क्या बोला, each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecule called nucleotide. So am I right? तो मतलब ये जो डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, वो किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड. अगर एक स्टैंड की बात करें तो उसमें क्या 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 प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड. ये न्यूक्लियोटाइड के मैंने क्या बोले, 3 कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. तो वो क्लियर. अब उसमें भी शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये तो रहेंगे ही, पर वेरिएशन कहाँ पे आएगा पता है, नाइट्रोजिनियस बेस पे. क्यों? क्योंकि चार टाइप के नाइट्रोजिनियस बेस है, एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन. नाउ ए एंड एडेनाइन एंड ग्वानाइन आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स. तो इन दोनों को, एडेनाइन और ग्वानाइन को क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स, और थायमाइन और साइटोसाइन को बोलते हैं pyrimidines. I can say adenine or guanine is coming from the same class, और class का नाम क्या है, purines. Thymine or cytosine coming from a different class, that is called as pyrimidines. समझा? अभी फिर से थोड़ा सा, क्योंकि in between आपको revision करते जाना है. Each DNA double helix, एक strand nucleotide का बना, उसके 3 parts, sugar molecule, phosphate group, nitrogenous base. शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप सेम रहेगा बच्चों, वेरिएशन कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजनस बेस में. नाइट्रोजनस बेस भी 4 अलग अलग है, ए टी जी सी. ए स्टैंड्स फॉर एडेनाइन, टी स्टैंड्स फॉर थायमाइन, जी स्टैंड्स फॉर ग्वानाइन एंड सी स्टैंड्स फॉर साइटोसाइन. इन चारों नाइट्रोजनस बेसिस में से ए और जी दे आर फ्रॉम द सेम क्लास, दैट इज प्यूरिन्स. T or C, they are from the same class, that is known pyrimidines. Now let's go further. Nucleotides are arranged like a chain in a molecule of DNA. Definitely एक chain में वो बने हुए हैं. The two threads of DNA molecule are comparable to the two rails of the ladder, and each rail is made up of alternatively joined molecules of sugar and phosphoric acid. Each nitrogenous base, अभी इतना इसके डेफिनेशन में मत जाओ. मैंने क्या कहा कि वो डीएनए का जो ये डबल हेलिक्स मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इसको डबल मतलब इसको अराउंड एक दोनों मतलब एक दूसरे के अराउंड में ऐसे घूमने के लिए देयर शुड बी सम बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेस. Where A always form bond with T. A हमेशा complementary bond किससे बनाएगा, T से, ठीक है. और C that is cytosine बनाएगा हमेशा bond G से.
फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए का पहला स्ट्रैंड है. फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो डीएनए स्ट्रैंड ए और इसको बोलो बी. मैंने बोला ये दोनों ये आगे चल के डबल हेलिक्स बनाने वाले हैं बच्चों. तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे ए है, तो उसको किस उसके सामने वाले मतलब उसके सामने क्या प्रेजेंट रहेगा? टी. यहाँ पे मान लीजिए अगर जी है, सी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? जी. इस चीज इस टाइप की पेयरिंग को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. व्हाई कॉम्प्लीमेंट्री? ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? टी. बेस है क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है. सो डोंट गेट सो कंफ्यूज, इट इज वेरी सिंपल. लेट्स क्विकली रिवाइज. डीएनए है, मास्टर मॉलिक्यूल है. उसका एक मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जो बोलता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है. डीएनए डबल हेलिक्स है मतलब वो ऐसे ट्विस्टेड है. अगर वो ट्विस्टेड है तो कुछ उसमें बॉन्ड्स हैं. बॉन्ड्स के लिए हम थोड़ा और स्ट्रक्चर में अंदर गए तो हमें पता चला कि बेसिकली वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड के थ्री कंपोनेंट्स हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस. शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप दे आर तो ऑलरेडी देयर. नाइट्रोजनस बेस में थोड़ा वेरिएशन है, चार हैं उसमें, ए टी जी सी, मतलब प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. ए ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द थायमाइन एंड साइटोसाइन इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द ग्यूनानाइन. सो दिस इज अबाउट द डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल. नाउ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ आई कैन से अबाउट द डीएनए इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब अभी आप सब ने अपने टीवी पे एक मतलब इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई शुड नॉट टेक दैट नेम, बट यू है मतलब जो भी क्राइम की सीरीज होती है उसमें देखो वो बोलता है कि नो नो वी विल मैच योर डीएनए. और न्यूज़ में भी कई बार आपने सुना होगा फॉरेंसिक साइंस, ऐसा बहुत कुछ आपने सुना होगा कि फॉरेंसिक साइंस पे काम हो रहा है. तो वहाँ का एक सबसे बड़ी बात होती है दैट इज नथिंग बट द डीएनए. डीएनए हम सबका अलग होता है, हम सबका. अब आप मुझे बोलोगे नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द एटीजीसी, फॉर एग्जांपल जब मैंने ये लिखा आपको ए टी जी सी, आप कैन यू बिलीव मी कि ये चार बेस हमें इतनी डिफरेंट टाइप की जीन लेकर आएंगे? आपको ऐसा लगता है? कैन यू बिलीव मी? ओके, लेट मी गिव यू द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. आपकी इंग्लिश की में कितने वर्ड्स में मतलब जो पूरी डिक्शनरी है उसमें कितने वर्ड्स हैं, किन कितने शब्दों की बनी हुई है? सिर्फ 26 होते हैं. उसमें कितने लेटर्स हैं? सिर्फ 26. 26 लेटर्स आर देयर ओनली फ्रॉम ए टू जेड. बट इससे कितने सारे वर्ड्स बने, एक पूरी डिक्शनरी आपने बना ली. उसी तरीके से ए टी जी सी ये चार बेस को यूज करके इनके अलग अलग सीक्वेंस आइदर विल बी इट विल बी ए टी जी जी सी टी ए जी आई एस ए जी सॉरी ए जी सी ऐसे अलग अलग नंबर्स को यूज करके न्यू मतलब अनेक टाइप के जीन्स आपके बॉडी में, आपके डीएनए में, आपके सेल में होते हैं. सो यू जस्ट गिव टेक दिस एग्जांपल कि ए टी जी सी है, ये इन्हीं चारों को यूज करके बहुत सारी कोडिंग की गई है. अब मान लीजिए मैंने कोई इंग्लिश में वर्ड लिखा एफ आर आई ई एन डी, तो आपने समझा फ्रेंड. अगर मैं एफ आई एन डी ई एन डी कुछ ऐसा लिखूं तो आप बोलोगे there is no sense in this word. So similarly अगर कोई जीन में for example A T G और C लिखा है, मान लीजिए ये एंजाइम कोड करता है आपके डाइजेस्टिव जूस के लिए, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस के लिए, और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए टी जी से, सी मैंने गायब कर दिया, तो
इट इज गोइंग टू मेक एनी सेंस. और यस बच्चों, आगे चल के जो क्रोमोसोम एब्रिविएशन हम सीखने वाले हैं, मतलब म्यूटेशन, एक्चुअली दिस इज अ म्यूटेशन, इसका कोई सेंस ही नहीं है इस पर्टिकुलर कोड का. तो जिन चीज़ों का कोड होता है वो सेल अच्छे से काम करते हैं. जहाँ पे कोड में प्रॉब्लम हुई वहाँ पे सेल्स काम अच्छे से नहीं कर पाते, एंड दैट लीड्स टू मैनी डिजीज. इट इज लिटिल बिट आउट ऑफ डीएनए का टॉपिक, बट यस, यू आर गोइंग टू लर्न दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन कमिंग क्रोमोसोम का, जब हम एब्रिविएशन और क्रोमोसोम से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे. सो अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब यूनिकनेस के बारे में तुम थोड़ा तो मुझ पर बिलीव कर सकते हो. अगर 26 लेटर से एक पूरी डिक्शनरी बन सकती है, डोंट यू थिंक कि ये चार नाइट्रोजनस बेस को अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज करके बहुत सारी कोड भी हो सकते हैं. एंड दैट्स वाई ये जो कोड है हम में यूनिक है. Among individuals, we have different codes, and that's why our DNA is different. So, the sequence of the gene in the DNA of a person is identified. DNA fingerprint में क्या करते हैं? क्योंकि ये DNA specific to me. So, if I am कि मैं suspected हूँ कि ये शायद ये होगी crime scene पे, तो वो देख लेते कि अरे ओके DNA है. तो वो डीएनए मैच कर लेंगे. अगर डीएनए मैच हो जाता है तो यस, इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हैं. मतलब उसको वेदर द पर्सन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन दैट क्राइम और नॉट. एंड ऐसा नहीं है कि क्राइम में भी, देर आर मैनी अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो विच टुगेदर दे आर नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट. इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आई हैव टेकन द सेम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. सो डीएनए फिंगरप्रिंट इसीलिए यूज कर पाए क्योंकि वो ATGC की जो कोडिंग है वो हर इंडिविजुअल में क्या है बच्चों, अलग अलग है. सो दिस इज अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. वी अंडरस्टूड अबाउट द डीएनए एज अ मास्टर मॉलिक्यूल. वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ अब मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया, न्यूक्लियोटाइड्स बता दिए, नाइट्रोजनस बेस बता दिए. अब बारी है जीन की, जो कि हमें सीखना था, तभी तो हम वो कैट्स को आंसर दे पाएंगे ना कि वाई दे आर सो डिफरेंट. तो यस, सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज जीन. ड्यू टू द वेराइटी इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आर फॉर्म्ड. ड्यू टू वेराइटी इन द, ये जो कोड है इसमें वैरायटी है, इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स आर फॉर्म. दीज जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन लाइक दिस. आई हैव व्हाट आई हैव शोन यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दीज जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन. नाउ सो आफ्टर नोइंग अबाउट की, पहले हमने स्टार्ट कहाँ से की थी अपनी एक्सप्लेनेशन, क्रोमोसोम से. क्रोमोसोम से हम डीएनए पे आए, डीएनए पे हमने मास्टर मॉलिक्यूल देखा, डबल हेलिक्स मॉडल देखा, ATGC पे आए, फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग ने जीन बोला, और फिर उन जीन की डिफरेंट, उस जीन में हमने देखा कि ये सीक्वेंस अलग अलग तरीके से हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से कोड किए गए, विच इज़ अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स. ये समझा? तो अब नाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. स्ट्रक्चर, ये सेल फंक्शन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि यस, जीन है. द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स इज ड्यू टू द जीन जो उसके न्यूक्लियर पार्ट में है. एम आई राइट? ओके, आर यू एग्री विथ मी? ओके, नाउ हेरिडिटी में कैसे इन्वॉल्व है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी डेफिनेटली वही तो ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो यस, अगेन द आंसर इज इट इज इन द जीन. आगे बढ़े, प्रोटीन सिंथेसिस आप अपनी 10th क्लास में सीखोगे. प्रोटीन सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्टमक में डाइजेस्टिव जूस बनाने हैं, वहाँ के जो स्टमक के सेल हैं उनको कैसे समझा कि मुझे ये एंजाइम या ये सेल ये मुझे बनाना है? क्योंकि उनके पास क्या था? सेल है जिनके न्यूक्लियर पार्ट में जीन है, और जिस वो जीन क्या कोड करती है? वो एंजाइम.
जो स्टमक में रिलीज करने हैं. तो वो जो एक प्रोसेस है उस डीएनए से, उस जीन से लेकर आना और एंजाइम को बनाने की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. यू डोंट नीड टू गो इन दैट डीप, यू जस्ट फॉलो ओनली वन लाइन कि प्रोटीन सिंथेसिस में जीन इन्वॉल्व है. एंड यस ऑफ कोर्स व्हाई हेरिडिटी. इस इन 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 दोनों में देखो कलर का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, कलर, आई शेप, फीचर्स, एवरीथिंग इज डाइवर्सिफाइड एंड ऑल बिकॉज ऑफ द जीन. सो दिस इज अबाउट द जीन. द जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम द क्रोमोसोम, फिर डीएनए एंड वी अल्टीमेटली केम टू द आर टारगेट दैट इज जीन. तो अब ये जीन समझ चुका है तो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर न्यूक्लिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन योर सेल दैट इज आरएनए. राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल. एक्चुअली अभी आपने जो प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बोला बेसिकली उसमें कौन इन्वॉल्व है, आरएनए. द न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबो शुगर ओनली. समवेयर इट इज सिमिलर टू डीएनए ओनली, पर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है उसके नाइट्रोजनस बेस में. मतलब शुगर भी होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, पर नाइट्रोजनस बेस में ए, जी और सी रहेंगे और टी रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से. मतलब ए की बॉन्डिंग अब किससे होगी, यू से, यूरेसिल से. अगर ए की टी की जगह पे यू दिखा तो दैट स्ट्रक्चर, दैट न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज यूरेसिल. नाउ डिपेंडिंग अपॉन, मतलब आरएनए, ये जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. इनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा इनका सीक्वेंस है जिनको आपको याद करना है. अब मैंने एक एग्जांपल बोला प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मतलब उसका कोड कहाँ रहेगा, सेल के न्यूक्लियर पार्ट में. तो भाई कोई तो जाकर लेकर आना चाहिए ना कि अरे ये सीक्वेंस लेकर आओ. तो वो सीक्वेंस, लेट्स गो इन दिस हायरार्की ओनली, वो लेकर कौन आएगा, एमआरएनए. उसको इसीलिए वो लेकर आएगा, मतलब सेल है फॉर एग्जाम्पल, सेल है उसका न्यूक्लियर पार्ट है ये, जहां पे डीएनए है, जहां पे जीन कोड होती है वो एंजाइम के लिए, वहां एक एमआरएनए, एक आरएनए जाएगा, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए, जो कि मैसेंजर है. मतलब वो वहां से डीएनए से सीक्वेंस लेके आएगा कि मुझे एंजाइम बनाना है, मुझे वो कोड दो. तो वो कोड कौन लेके आता है, एमआरएनए. द आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द जीन, न्यूक्लियर पार्ट से लेकर आना, इस वो कौन करता है, मैसेंजर आरएनए. अब मैसेंजर आरएनए अगर बेचारा इतना काम करके आया तो उसको कोई हेल्प भी करेगा, तो यस उसका हेल्प करेगा राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, उसको अच्छे से होल्ड करेगा. द मॉलिक्यूल ऑफ द आरएनए विच इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनिल इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब एमआरएनए को लेकर आना, एमआरएनए आ चुका है, उसको होल्ड करके अब आगे के मतलब डबल हेलिक्स बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो कौन करेगा, राइबोसोम. सी स्टूडेंट्स, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, बट इन फॉर योर क्लास, आपके सिलेबस में थोड़ा ही आपको इतना समझना प्रोटीन सिंथेसिस. इन योर 10th क्लास यू आर गोइंग टू लर्न इट इन अ वेरी, थोड़ा इसको डीपली पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि राइबोस आरएनए है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, और उसमें टी की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, और उसके तीन टाइप हैं, एक मैसेंजर आरएनए, उसके बाद राइबोसोम, और उसके बाद होता है एट द एंड ट्रांसफर डीएनए आरएनए. अभी ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, फॉर एग्जांपल जो मैसेंजर आरएनए लेकर आया सीक्वेंस, राइबोसोम ने उसको पकड़ा और अब दूसरे स्टैंड के निर्माण बोलते हैं उसको बनाने की बारी आई है. तो दूसरे स्टैंड में बनाने के लिए बच्चों न्यूक्लियोटाइड डालना पड़ेगा. वो न्यूक्लियोटाइड कौन डालते रहते हैं, ट्रांसफर.
वो मैसेंजर आरएनए को देखते, अच्छा तेरे पास टी है, आई विल गिव यू, या इफ इट इज अ ए आई विल गिव यू यू, इफ इट इज अ जी आई विल गिव यू सी, ऐसे न्यूक्लियोटाइड करके एक पूरी साइकिल बन जाती है एट द एंड एंड द प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड. तो लेट्स समराइज, आरएनए तीन टाइप है. आपको मैंने जैसे सिखाया है एम से स्टार्ट करना है, एम आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए एंड टी आर एन ए. एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टूडेज प्रेजेंटेशन, डीएनए वर्सेस आरएनए. डीएनए में क्या है, एडेनाइन, ग्यूरानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन. वेयर एज इन केस ऑफ आर एन ए, थायमाइन इज रिप्लेस बाय द यूरैसिल. दिस एंड या इट इज डबल स्टैंडर्ड, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर, बिकॉज मुझे जितना लग रहा है आपको आर एन ए में पक्का कुछ ना कुछ डाउट होगा, प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक एंड देन कमेंट, और आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट मी और इन योर इन और इन क्लास, सो दैट वी कैन सॉल्व योर डाउट्स ऑल्सो. बट बिफोर दैट यू हैव टू रीड अबाउट द डी एन ए एंड आर एन ए इन अ वेरी केयरफुली, उसको अच्छे से पढ़ो समझो, और जो भी डाउट्स होंगे आई विल सॉल्व. थैंक यू.